क्या ढूंढ रहे हैं उस क्रिकेट मार्केट में? ये देखो बब्बू की मम्मा, ये लो समझी छूट जाए नहीं हाथों। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद राज 24 के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम जा रहे हैं फैमिली के साथ पुष्कर और अजमेर घूमने के लिए। ये देखिए कौन है पीछे, गुड्डू। हेलो गुड्डू। हेलो। और ये देखो कौन है, बाबू और सुमन जी। हेलो गुरु। हेलो गुरु सबको। हेलो दिखाओ दिखाओ बाबू दिखाओ, बाबा दिखाओ, बाबा दिखाओ, तेरे बाबा, बाबा जी दिखाओ। ओहो जी गणेश जी सर को साथ में लेके चल रहे हैं हम। गणेश जी सर हमारे साथ रहते हैं। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो। और हमारे अंकल जी का नाम भी गणेश जी है। तो कैसा लग रहा है बाबू, मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या? तो चलो आगे दोस्तों चलते हैं, पुष्कर और अजमेर आपको विजिट करवाते हैं। पहले चलेंगे पुष्कर और इस ब्लॉग में आपको पुष्कर का पूरा मजा देखने मिलेगा। अभी हमें लगभग 55 के आसपास और अच्छे से रास्ता गुजर रहा है। बच्चों ने पूरा खाने वाने का सामान पीछे पैक कर रखा है। रुक रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं अपने हिसाब से। और अभी ज़्यादा नहीं, 9:13 हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर दूर है कुचामन। कुचामन से होते हुए जाएंगे हम किशनगढ़। तो ये वाला रास्ता देखिए आप, यहाँ पे आपको गाय बहुत देखने को मिलेगी और एकदम पूरा एकदम असली राजस्थानी लुक यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो सीकर अपना राजस्थान में है, लेकिन इधर जो नागौर की साइड बढ़ते हैं तो रियल राजस्थान की जो पुरानी वाली फीलिंग है ना, वो आती है ना, थोड़ा वैसे ही फीलिंग आती है। ये तो रोडे बन गई आजकल, वरना तो क्या ही चीज़ें थी। ये देखिए गाँव का लुक, खेतों का लुक। पानी वानी इधर है नहीं भैया, ज़्यादा सूखा ही पड़ा है। भैया जी हम हैं परबसर के आसपास, परबसर से थोड़ा पहले, और मैं खा रहा हूँ दही रोटी। वैसे देखो चिप्स चॉकलेट काफ़ी बने पड़े हैं, लेकिन अपने को तो यही राजस्थानी को अच्छा लगता है। ये देखो बंदर बाहर क्या कर रहा है, अंदर आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ, क्या है अंदर, ये खाओ, आओ अंदर। तो दोस्तों अब हम पुष्कर से लगभग 10 किलोमीटर पहले हैं, इधर गाँव के अंदर से होके गुजर रहे हैं। राजस्थान के गाँव का एक अलग ही आनंद है। एक देखिए थोड़ा हरियाली भी आ गई है, अरावली की पहाड़ियाँ जो अजमेर के पास है उनका लुक आ गया है, तो थोड़ी हरियाली भी आपको महसूस होगी, लेकिन आपको ओवरऑल राजस्थान की ही फील आएगी, वाइब्स ऑफ राजस्थान। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ रिजोर्ट, कुछ झोपड़ियाँ ऐसे आनी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे बनने वाले हैं कुछ। काफ़ी दूर तक रिजोर्ट का इलाका फैल चुका है। परबसर से हम पहुँचे पुष्कर और पुष्कर में हमारे परिचित सुरेंद्र जी की होटल न्यू पार्क में हमने अपना रूम बुक किया था और बाकी लोग भी हमें यही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी है, गोविंद सर, वसीम जी सर, क्या बात है। ये देखिए इकबाल जी, बजरंग जी और प्रभु सिंह जी सर, और इनको तो आप जानते ही हो। तो बच्चा पार्टी आ चुकी है होटल में और ले रही है झूले का आनंद। ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा ग्रीनरी के साथ, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए और सभी लोग हैं इधर धूप का आनंद लेते हुए, ग्रीनरी का आनंद लेते हुए, चाय पीते हुए। सुबह जी धूप लग रही है क्या? बाबू और पापा घूम रहे हैं पुष्कर के मार्केट में, क्या ढूंढ रहे हैं पुष्कर के मार्केट में? ये देखो बाबू की मम्मा, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो बहू, निकालो। हेलो गुरु सबको, हाय। ये हमारे गोविंद जी सर, क्या बात है सर, स्टाइल वैसे ही समझ स्मार्ट है, चमक रहे सर। बाबू की मम्मी आ गई है पानी की पूरी व्यवस्था करते हुए। ये शकीला मैम आ गई है। ये देखिए दोस्तों, ये है वराह घाट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है वराह घाट, यहाँ पे चे लिखा हुआ है। और ये देखिए पुष्कर सरोवर जो आपको दिख रहा है, ब्यूटीफुल नज़ारा। और ये बहुत सारे पिजन है, पिजन 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 पिजन, बहुत सारे पिजन। तो दोस्तों ये देखिए खूबसूरत नज़ारा पुष्कर जी का।
बाबू को ले वो जो ये लो मुझे छूट गया नहीं हाथ मैं मन करता डुबकी मार ये और ये ब्यूटीफुल नज़ारा। चलो उसको झील का। तो दोस्तों ये देखिए पुष्कर का मार्केट। हम बराग घाट से इधर आ गए हैं और अभी मार्केट में विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग शॉप्स मिलेगी, उसमें राजस्थानी कपड़े, हैंडीक्राफ्ट जैसे बहुत सारे आइटम आप देखने मिलेंगे। आप यहाँ पे अलग अलग लोकेट्स बनवा सकते हैं, जो भी हमें पिक्चर्स जे जे की उसके जी काफ़ी स्टॉल्स है बुक्स की। देखो यहाँ पे फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ साफ सुथरी, बड़े यहाँ पे वाहन आते नहीं हैं। ये देखिए माँ बेटी आगे आगे चल रही हैं, पापा इनका पीछा कर रहे हैं। सुमन जी कैसा लगा मार्केट? कुछ ले रहे हो क्या यहाँ पे? जयपुर तो गए नहीं कभी शॉपिंग करने के लिए, आप यहीं से ले सकते हो। ये देखो बाबू क्या क्या ड्रेसें हैं। ये चलो सही पकड़ो दोनों हाथ से, मम्मा के साथ चलो, मम्मा के साथ। तीर्थ साथ पुष्कर के सरोवर में मिनी स्नान करने के बाद हम विश्व के एकमात्र बर्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपको तो पता ही होगा मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं होता, तो हमने बाहर से ही फोटोग्राफी की। दर्शन करने के बाद में लेडीज डिपार्टमेंट लग गया शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। बाबू तू कौन सी लेगा? क्या लेगा बताओ। दीदी को तो ये अच्छे लग रहे हैं। बाबू इधर आओ, ये चले अच्छे लग रहे हैं दीदी को। सुमन जी क्या लिया? बेंगल्स। बाबू के लिए कड़ा खरीदारी चल रही है। पहन के देखो बाबू कैसे लग रहे हैं, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे वाह ये तो क्यूटी क्यूटी लग रहा है, दिखाओ दिखाओ सबको दिखाओ। मम्मी को तो वाइट अच्छा लगा। बाबू बाबू के लिए क्या चाहिए? बाबू के लिए ये ड्रेस मम्मी बाबू के लिए ले रही है। तो ये डिजाइन ढूंढ रहे सुमन जी, कुछ व्हाइट कलर की ऐसे कॉटन की। और ये देखिए शॉपिंग कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मैंने लिए भागवत गीता, इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी आपको डीप जीवन के रहस्य के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स आपको पढ़ते हैं, कुछ कुछ आपको सिखाते भी जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए वेंकटेश भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे। इस तरह हमारा पुष्कर का टूर रहा, जिसमें हमने बच्चों के साथ खूब मस्ती की। अगले वीडियो में आप देखेंगे हमारा अजमेर टूर। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आपको हमारा पहला फैमिली टूर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।